Hello everyone. हेलो एवरीवन, एक बार कमेंट कर दीजिए अगर मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए फटाफट फटाफट से कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए यस और नो, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? चलिए तो आज का सेशन हम शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक बार सभी स्टूडेंट आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है राजकुमार सैनी और मैं आपका अन अकेडमी बैंक प्रो के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का अपना जो सेशन होगा वो होगा इनइक्वालिटी का, जो मेंस और प्री में काफ़ी अच्छे मार्जिन के लिए जाना जाता है। मीन्स मेंस के एग्जाम में भी काफी वेटेज रखता है और प्री के एग्जाम में भी। तो हम करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे हमें हर क्वेश्चन को सोल्व करने में, हर क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें केवल 5 सेकंड लगेंगी। ट्रिक से हम करेंगे, फटाफट से करेंगे। पहले ये बता दीजिए कौन कौन चाहता है कि सर थोड़ा बेसिक भी करवा दीजिए इसका। पहले कमेंट कर दीजिए जो चाहता है कि पहले बेसिक भी करवा दीजिए सर इसका, कमेंट कर दो फटाफट। जो ये चाहता है कि बेसिक भी करवा दीजिए थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हम उसको कोडेड भी कर सकें। कमेंट कीजिए। एस बी आई पी ओ क्लियर? ओके, वेरी वेरी गुड वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन। जिन बच्चों का एस बी आई पी ओ का एग्जाम क्लियर हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन और बहुत ही बहुत शुभकामनाएं आपको मेंस एग्जाम के लिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं एग्जाम की, स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में बता देता हूँ। इनइक्वलिटी होता क्या है? इनइक्वलिटी का चैप्टर जो है हमारा वो होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, और फिर हम एक बार रुकिएगा। ओके, चलिए चलिए इनइक्वलिटी का जो चैप्टर है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो सिंपल इनइक्वलिटी होगी और दूसरी अपनी हो गई कोडेड। तो कोडेड जो आती है वो आती है मेंस में। सभी मेंस के एग्जाम एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, जितने भी अपने एग्जाम्स होते हैं सभी में आती है। और सिंपल इनइक्वलिटी जो आती है वो प्री के एग्जाम में आती है ज्यादातर, ये मान के चलिए। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे इनइक्वलिटी के कुछ टाइप्स की। ये हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इनको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स में, विद इन सेकेंड्स में। पहले बताइए सभी बच्चे आ गए क्या? चलिए आ गए, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल वाले की। सिंपल वाले में हमें, सिंपल वाले की बात करते हैं पहले, सिंपल इनइक्वलिटी की थोड़ा सा उसके बारे में, फिर कोडेड के बारे में चलेंगे, कोडेड क्वेश्चंस पे भी चलेंगे। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात याद रखिएगा कि सर ये टू टाइप्स की फैमिलीज होती हैं। टू टाइप्स की फैमिलीज मीन्स कि सर ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, यस ये होती है फैमिली वन, इसको हम कहेंगे फैमिली वन। फिर होता है लेस देन इक्वल और इक्वल, ये होती है फैमिली टू, इसको हम कहेंगे फैमिली टू। और इसमें प्रायोरिटी जो हम रखेंगे, जो कंक्लूजन में जो हमें दिया जाएगा, कंक्लूजन चेक करने का तरीका जो होगा, हमेशा याद रखिए नंबर वन पे हम बात करेंगे किसकी, ग्रेटर की। नंबर टू पे हम बात करेंगे ग्रेटर इक्वल की। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे इक्वल की। सिमिलरली सिमिलरली हम बात करते हैं
लेस देन वाले में नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। अब आप कहेंगे सर ये प्रायोरिटी का मतलब हम समझ नहीं पा रहे कैसे। सिंपल सी बात, अगर स्टेटमेंट में अगर आपको तीनों दिए जाते हैं तो हमेशा याद रखो प्रायोरिटी जो आएगी वो हमेशा ग्रेटर को दी जाएगी। अगर स्टेटमेंट में केवल ये दोनों ही दिए जा रहे हैं तो प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो इसको ही दी जाएगी सेकेंड वाले को। और सिमिलरली थर्ड वाला तभी कंक्लूजन पॉसिबल है जब अकेला इक्वल आए, अकेला इक्वल आए तभी पॉसिबल है। पूरे स्टेटमेंट में अकेला इक्वल आएगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये मान के चलिए वो रॉन्ग कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे समझ में आए। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये एक छोटा सा तरीका मैंने बता दिया, एक छोटा सा तरीका यहाँ पे एक और देख लीजिए। सिंपल सी बात, यहाँ पे एक चीज और जान लीजिएगा कि हमेशा जिस तरफ फेस खुला होगा ना, जिस तरफ फेस खुला होगा सिंबल का, एंट्री वहीं से होगी, एंट्री गेट वहीं होगा, याद रखिएगा। सिमिलरली ग्रेटर के साथ अगर इक्वल आ रहा है तो भी एंट्री गेट इधर से होगी, इसको हम कहते हैं एंट्री गेट, इसको हम कहते हैं एंट्री गेट। मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ बच्चे क्योंकि सभी को बेसिक पता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हमें कोडेड करना है, क्योंकि हमें कोडेड करना है, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? यस, हमें कोडेड करना है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा एंट्री गेट होगा। और सिमिलरली इसमें इक्वल जो होता है उसमें दोनों तरफ से आप एंट्री कर सकते हैं, दोनों तरफ से एंट्री कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब इसका आंसर बताओ फटाफट, पहले तो इसका आंसर बताइए क्या आंसर आएगा, फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका। सर मुझे ब्लर दिख रहा है बच्चे, और किस किस को ब्लर दिख रहा है? आप पिक्सल रेट बढ़ाइए बच्चे एक बार। हेलो चांदनी जी, हेलो हेलो हेलो, ओके। देखो सिंपल सा, देखो इस पे ध्यान दो, सिंपल सा देखो। पहला हमें बोला गया है बी से क्यू की तरफ। अब आप कहोगे सर बी से क्यू की तरफ क्यों? मैंने क्या बोला कि हमेशा कंक्लूजन में ध्यान दीजिए, कंक्लूजन में आपको जिस तरफ फेस खुला हुआ है उस तरफ से हमें चलना है, यानी हमें बोला गया बी से क्यू की तरफ हमें कंक्लूजन को चेक करना है क्या वो स्टेटमेंट में सही है कि नहीं। तो बी से क्यू तक जाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं बी के पास गया, बी को मैंने क्या कहा, मेरे को क्यू तक पहुंचा दे। तो बी ने ये कहा कि मैं तेरे को एच तक ही पहुंचा सकता हूं क्योंकि मैं केवल यहीं तक सीमित हूं। तो मैं एच के पास मैं पहुंच गया, क्यों? क्योंकि सर इसका फेस खुला हुआ था, एंट्री गेट थी, तो मैं जा सकता था। तो एच पे पहुंचने के बाद एच ने क्या किया, एच ने क्या किया, अपने दो दूसरी फैमिली यानी यहाँ पे देखो एच उठ के अपने जो कॉमन है ना, कॉमन फैक्टर वहां के पास आ गया। वहां आने के बाद इसने क्या देखा कि यहाँ तो गेट क्लोज है, अब गेट क्लोज है इट मीन्स ये कहीं नहीं जा सकता। अगर कहीं नहीं जा सकता तो पहला कंक्लूजन गलत। सिंपल सी बात याद रखिएगा, ओपन गेट से ही एंट्री हो सकती है, क्लोज गेट से एंट्री नहीं हो सकती। केवल देखने से ही आप इसका आंसर करोगे, देखने से इसका आंसर करोगे। क्लियर है सभी को? दूसरे कंक्लूजन को देख लो, दूसरा कंक्लूजन हमें क्या कह रहा है, दूसरे कंक्लूजन को देखो, दूसरा हमें क्या कह रहा है कि सर एक मिनट, बी से पी तक। अब बी से पी तक हमने क्यों लिया, क्योंकि सर बी से पी तक आप इसलिए लिया क्योंकि फेस बी की तरफ खुला हुआ है, इसलिए हमने बी को चूज किया। हमेशा याद रखिए जहां पे फेस खुला हुआ है, जिस तरफ फेस खुला हुआ है उसी तरीके से, उसी तरफ से हम एंट्री कर सकते हैं। कंक्लूजन में हमारे पास बी से पी था, बी से पी हमें चलना है। अब बी से पी चलने के लिए बी ने क्या कहा, बी एच के पास गया, एच वापस से क्लोज गेट मिला आपको, एच के पास जाने के बाद वापस से आपको क्लोज गेट मिला, तो सर ये भी गलत। तो क्या आंसर आएगा, नाइदर नोर। तो इसका आंसर क्या आएगा, नाइदर नोर, यानी दोनों के दोनों गलत। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट कर दीजिए फटाफट, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए अगर किसी को डाउट है तो, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। है कोई डाउट? नहीं है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट। फिर हम देखो कोडेड पे चलेंगे, कोडेड पे चलेंगे। क्या मेरी वॉइस एंड, एक बार पहले कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी वॉइस एंड पिक्चर क्लियर आ रही है, यस और नो? वॉइस एंड पिक्चर क्लियर आ रही है, यस और नो? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, फिर हम कोडेड पे चलेंगे। कोडेड पे चलना है हमें, सिंपल सा मैंने इसलिए बताया, या फिर एक बार कमेंट कर दो कि सर डायरेक्ट कोडेड ही बता दो। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं डायरेक्ट कोडेड पे चलता हूँ। अगर सिंपल नहीं सीखना है, सिंपल अगर सभी को आता है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करें, फिर हम कोडेड पे चलते हैं डायरेक्ट। फटाफट कमेंट कीजिए अगर ये चाहते हो कि सर कोडेड ही बता दो, कोडेड की ट्रिक बता दो।
कमेंट कर दीजिए फटाफट, जो ये चाहते हैं कि सर कोडेड की ट्रिक बता दो, सिंपल वाली हमें आती है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। जो बच्चा चाहता है कि सर कोडेड ही बता दो हमें, तो चलिए तो ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ये वाला, फिर हम डायरेक्ट कोडेड पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखो, हमें W से V तक जाना है। सर हमें W से V तक जाना है, W से सॉरी हमें दूसरा था, हमें W से V पे जाना है, तो W से G पे जाना है हमें। W से G पे जाने के लिए मैंने क्या किया, W से मैंने W गया R के पास, R तक पहुंच गया, लेकिन सर R कहीं भी कॉमन नहीं है, लेकिन R पे जाने से पहले वो M के पास भी गया था, M के पास गया तो M भी नहीं लेके जा सकता उसको, जरा ध्यान से देखिए क्या M उसको लेके जा सकता है। V से W क्या हो गया, कोडेड ही बताना है, चलिए कोडेड ही बता देते हैं फिर, ठीक है कोडेड ही बता देते हैं, अगर आप लोग कह रहे हैं तो कोडेड ही बता देते हैं, ठीक है कोडेड बता देते हैं। पहले ये क्वेश्चन और कर लीजिए, चलिए ये क्वेश्चन और कर लीजिए फिर कोडेड बताते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए फिर कोडेड बताते हैं। वी से डब्लू, देखो ध्यान से यहाँ पे, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, डब्लू से जी पे जाना आपको। कंक्लूजन में जो दे रखा है हमेशा याद रखो, प्रायोरिटी कैसे देनी है, ये वाली हमेशा प्रायोरिटी देनी है, पहले नंबर, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ठीक है, और एंट्री गेट हमेशा ये होगी, एंट्री हमेशा ये होगी। W से G पे जाना था, W से मैं M पे गया, M मुझे क्या कहाँ लेके गया, G के पास, लेकिन जरा ध्यान से देखो क्या रास्ते में मेरे को ग्रेटर मिला, क्या रास्ते में मेरे को जो हमारा वे था W से M तक गया, M से G तक गया, क्या मेरे को ग्रेटर मिला रास्ते में, नहीं ना, तो सर ये तो गलत हो गया, जब रास्ते में ग्रेटर है ही नहीं, ये तो ग्रेटर इक्वल है। दूसरा ध्यान से देखो, R से X तक जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आर से तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता, दरवाजा बंद है, वो तो वैसे ही गलत हो गया, तो सर इसका आंसर आएगा नाइदर नोर, इज दैट क्लियर। चलिए अब चलते हैं कोडेड पे, डायरेक्ट कोडेड पे चलते हैं बच्चे, जैसी आप लोगों की इच्छा डायरेक्ट कोडेड पे चलते हैं, चलिए आ जाइए, आप लोगों की इच्छा है कोडेड पे चलते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या सभी के पास कोडेड क्वेश्चन आ चुका है, कमेंट कर दो, क्या कोडेड का पहला क्वेश्चन आ चुका है, कमेंट कर दो, कोडेड इनक्यूलिटी का 1 से 5 वाला क्वेश्चन आ चुका है क्या, यस और नो, तो बताइए भाई पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, सभी बच्चे पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। फर्स्ट कंक्लूजन आपका क्यू हैज आर, बताइए फटाफट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए मैं पहले सिखा देता हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, पहले ट्रिक को ध्यान से समझिएगा, पहले ट्रिक को अच्छे से समझिएगा। देखो कोडेड की ट्रिक, सबसे पहले आपको बनाना है एक बॉक्स, ध्यान देखिएगा, सर कैसे हो, मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ बिल्कुल अच्छा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बनाना है बॉक्स बना लिया, बॉक्स में हमेशा याद रखिए, हमेशा यहाँ पे होता है ग्रेटर, यहाँ पे होता है ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे होता है लेस देन, यहाँ पे होता है लेस देन इक्वल, और यहाँ पे होता है इक्वल। क्या ये सबको क्लियर है, ये चीज सबको क्लियर है, यस और नो, सिंपल सी बात हमें ये ध्यान में रखनी है, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल, और ये अब जो इन पे आइए, जो हमें कोडेड दे रखे हैं, जो हमें सिंबल के लिए कोड दे रखा है वो हमें पता लगाना है। ग्रेटर का मतलब जो होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ग्रेटर इक्वल का मतलब होगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे, और लेस देन का मतलब जहां पे होगा उसका मतलब यहां लिख देंगे। सिंपल सा आपको एक बॉक्स, इसको तो आपको हमेशा माइंड में याद रखना है कि यहाँ पे ग्रेटर आएगा, हमेशा याद रखो यहाँ पे ग्रेटर आएगा, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे लेस देन इक्वल, हमेशा माइंड में ये याद रखिए। पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है कि ए हैज बी का मीन्स हो गया, ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या मैं कह सकता हूं क्या हैज, बच्चे ग्रेटर का मतलब क्या मैं यहां पे हैज लिख सकता हूं, यस और नो कमेंट कर दो, क्या मैं ग्रेटर की जगह हैज लिख सकता हूं, यानी बॉक्स में यहां पे हैज लिख सकता हूं, कमेंट कर दीजिए यस और नो, क्लियर है सभी को, यस कि सर मैं यहां पे हैज लिख सकता हूं, बिल्कुल मैं सभी को पहचान गया, बिल्कुल मैं पहचान गया, बताइए फटाफट बताइए, यस
फिर हमारे पास आया कि स्टार, स्टार का मतलब हमें क्या बोला गया कि सर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी कहने का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल ये रहा, तो स्टार को मैं क्या यहाँ पे लिख दूं, कहने का मतलब स्टार को सर यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपको माइंड में याद रखना है इतना कि यहाँ पे इस बॉक्स पे ग्रेटर यहाँ पे होता है, ये इसके बाद में ये आता है, इसके बाद में ये आता है, ठीक है। उसके बाद में आइए कि सर इक्वल, एट द रेट मैं लिख दूं क्या, एट द रेट इक्वल की जगह मेरे को लिखना है एट द रेट, ये लो सर एट द रेट मैंने लिख दिया, इक्वल की जगह मैंने एट द रेट लिख दिया, यस और नो, क्लियर है, इक्वल की जगह मैंने एट द रेट लिख दिया, कमेंट कीजिए यस और नो। ओके चलिए चलिए ओके। उसके बाद में हमें बोला गया कि डॉलर, डॉलर का मतलब होया लेस देन बी, अब लेस देन बचे लेस देन तो ये रहा, तो क्या मैं यहां पे डॉलर लिख दूं, डॉलर का मतलब भाई इसका ही तो मतलब था डॉलर, लेस देन का मतलब तो डॉलर था, ये हमें पता चल गया, ठीक है। उसके बाद आया हमारे पास इक्वल, इक्वल का मतलब हमें बोला गया लेस देन और इक्वल, लेस देन इक्वल कहां पे ये रहा कि सर छोटा और बराबर, छोटा और बराबर कहां पे, यानी यहां पे मैं बराबर लिखना, मैं यहां पे मैं बराबर लिख दूं, बस ये आपकी ट्रिक थी। अब आपको कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन में आपको केवल 15 सेकंड लगेगी जब आप इस बॉक्स को बनाएंगे, उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सिंपल सी बात क्या क्या कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीधे रास्ते से जा रहे हो, अगर आप सीधे रास्ते से जा रहे हो, सीधे रास्ते से जा रहे हो तो कोई चेंजेस नहीं होगा, जो आपको रास्ते में, जो आपको सिंबल रास्ते में मिल रहा है वहीं आपका आंसर रहेगा, वहीं आपका आंसर रहेगा। लेकिन आप अगर पीछे की तरफ से जा रहे हो, अगर आप पीछे की तरफ से जा रहे हो यानी उल्टी तरफ से, यानी राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, तो हमेशा हैज बदल जाएगा डॉलर में, कहने का मतलब ग्रेटर बदल जाएगा लेस देन में और लेस देन बदल जाएगा ग्रेटर में। सिमिलरली ग्रेटर इक्वल बदल जाएगा लेस देन इक्वल में और लेस देन इक्वल बदल जाएगा ग्रेटर इक्वल में। क्या मेरी बात समझ गए? तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमने जो कोड डिकोड किया है वो हमारे पास ही आए हैं, तो हैज चेंज हो जाएगा डॉलर में और डॉलर चेंज हो जाएगा हैज में। सिमिलरली अगर रास्ते में हमें स्टार मिला तो वो इक्वल में चेंज हो जाएगा और इक्वल मिला तो सर वो स्टार में चेंज हो जाएगा। बराबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, बराबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। बराबर का कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमेशा इकलौता रहता है, उसको तो वो तो दोनों फैमिली का है। अब यहाँ पे ध्यान भी रखना आपको एक चीज और, कि एक चीज क्या कि सर हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो होता है ना हमारा कौन नंबरिंग, सर इसको हम देते हैं पहला नंबर, वही सेम प्रोसेस जो हमने बेसिक इसका पता होना चाहिए जो मैंने पहले बताया था, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। सिमिलरली इसको एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, जो हमने सिमिलर हमने जो किया था बेसिक वाले में कि प्रायोरिटी जो होगी वो सबसे पहले ग्रेटर, फिर ग्रेटर इक्वल, फिर इक्वल, सिमिलरली लेस देन, फिर लेस देन इक्वल और इक्वल, वही हमारी प्रायोरिटी होगी। पहला कंक्लूजन हमें हमसे क्या कह रहा है, पहला कंक्लूजन पे ध्यान दो, फर्स्ट कंक्लूजन हमसे क्या कह रहा है ध्यान देना सभी बच्चे, फर्स्ट कंक्लूजन हमें कह रहा है कि सर Q हैज R, बच्चे हमेशा देखो कंक्लूजन में हमेशा आपको सीधे चलना है, तो Q से मेरे को R पे जाना है, स्टेटमेंट पे आ जाओ, Q से R तक जाना है मेरे को, तो बच्चे Q से R तक जाने के लिए क्या मैं Q से देखो पीछे की तरफ से जा रहा हूँ, ध्यान से देखो सर मैं Q से पहले P के पास जाऊंगा क्योंकि बीच में कोमा लग रहा है, मैं डायरेक्ट R तक नहीं पहुंच सकता, तो पहले मैं Q से P तक पहुंचूंगा, तो Q से P तक पहुंचने के लिए मैं पीछे की तरफ से जा रहा हूं बच्चे, तो पीछे की तरफ से जा रहा हूं, तो बच्चे हैज किस में चेंज हो गया कमेंट कर दो, हैज किस में चेंज हो गया, हैज किस में चेंज हो गया, देखो जने मैंने बताया था ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, अगर अगर हमने पीछे की तरफ का रास्ता अपनाया, तो अगर हम पीछे की तरफ से गए तो ये इंटरचेंज यानी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, हैज किस में चेंज हो जाएगा कमेंट कर दो फटाफट, कमेंट कर दो फटाफट जल्दी से, हैज किस में चेंज हो जाएगा कमेंट कर दो फटाफट, हैज चेंज हो जाएगा डॉलर में। तो बच्चे एक बात बताओ मेरे को, जब आपका रिजल्ट ही डॉलर में आ गया और कंक्लूजन में आपको हैज दे रखा है, तो क्या ये कभी सही हो सकता है बच्चे? हैज और डॉलर तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आप खुद सोच के देखो, अगर दोनों ये एक फैमिली तो हमारी कौन सी है, पहली फैमिली तो हमारी कौन सी बनी हैज स्टार और एट द रेट, दूसरी फैमिली सर डॉलर इक्वल और
कौन, एट द रेट। दूसरी फैमिली हमारी ये बनी थी। तो बच्चे दो अलग अलग फैमिली जब आपस में मिल गई, रिजल्ट देखो जरा ध्यान से, हमारे पास डॉलर आया और यहाँ पे था हैज, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। क्या सबको समझ में आ गया? यस, क्या सबको समझ में आ गया? यस और नो, क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे पे कि सर डॉलर जो है, दूसरा हमें बोला गया क्यू से आर तक, तो क्यू से आर तक चलो। तो Q से R तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, Q से R तक मैं जाऊंगा तो क्या सेम मेरे को Q से P तक जाना पड़ेगा? तो मैं जा रहा हूं वापस से पीछे की तरफ से, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? Q से P की तरफ जा रहा हूं तो हैज किस में चेंज होगा? हैज चेंज होगा डॉलर में। अभी डॉलर है सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास डॉलर बचा हुआ है और हमारे पास डॉलर यहीं पे कंक्लूजन में जो है अभी डॉलर है, ठीक है। अब आगे आते हैं सर, P तक ही पहुंचा। अब P से मैं कहां जाना था? मेरे को पहुंचना था R पे, R पे पहुंचना था। तो सर P मुझे R पे पहुंचा रहा है, लेकिन पीछे के रास्ते से, लेकिन पीछे के रास्ते से बच्चे, पीछे के रास्ते से पहुंचा रहा है, तो डॉलर किस में चेंज होगा कमेंट कर दो। अगर पीछे के रास्ते से जा रहे हैं तो डॉलर किस में चेंज होगा कमेंट कर दीजिए। क्या मैं कह दूं डॉलर जो है वह आपका हैज में चेंज हो जाएगा? तो क्या ये भी गलत हो गया? क्योंकि सर दो अलग अलग फैमिली के मेंबर मिल गए, इनकी बनती नहीं है। याद रखो ये फैमिली वन, ये फैमिली टू, इनके सदस्य नहीं मिलने चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या दोनों के दोनों गलत हो गए? यस और नो, तो क्या आएगा इसका आंसर? तो क्या आएगा इसका आंसर? कमेंट कर दीजिए फटाफट, कमेंट कर दीजिए फटाफट। क्या मैं कह दूं इसका आंसर? नाइदर नोर आएगा। कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। क्या सबको समझ में आ गया? यस और नो, कमेंट कर दीजिए फटाफट। क्या सबको समझ में आ गया? यस और नो, क्या सबको समझ में आ गया? यस और नो, यस और नो, तो इसका आंसर आ जाएगा नाइदर नोर। कमेंट कर दीजिए अगर कोई भी डाउट है कहीं पे भी किसी भी लाइन में। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, सेकंड वाले का आंसर दे दो फटाफट। मैं इसको क्लीन कर देता हूं, सेकंड वाले का आंसर दे दो फटाफट, सेकंड वाले का आंसर दे दो फटाफट, सेकंड वाले का फटाफट आंसर दे दो जल्दी से। जल्दी से आंसर दे दीजिए सेकंड वाले का। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? फटाफट आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए सेकंड वाले का। ओके संदीप जी, बिल्कुल समझा देंगे, बिल्कुल समझा देंगे संदीप जी, डेफिनेटली समझा देंगे। एक बार सेकंड वाले का आंसर दे दो, फिर मैं डेफिनेटली समझा दूंगा आप लोगों को। सेकंड वाले का आंसर दे दो आप। चलो सेकंड वाले का रहने देना, सेकंड वाला आप लोग नहीं समझ, अभी आइदर और का फॉर्म है। थर्ड वाले का आंसर दो एक बार। बिल्कुल समझा रहे हैं, बिल्कुल समझा रहे हैं। चलिए देखो एक बार, फिर से देखो एक बार सभी बच्चे, फिर से देखो। थर्ड वाले को देखो एक बार, थर्ड वाले की तरफ ध्यान से देखो, थर्ड वाले को ध्यान से देखो। बॉक्स बनाना है सबसे पहले बच्चे, यहाँ पे बॉक्स बना लिया मैंने। अब बॉक्स में हमें पता है कि यहाँ पे ग्रेटर आना है, ग्रेटर का मतलब इसने साफ साफ बोला है कि हैज आना चाहिए, यहाँ पे हमने हैज लिख दिया। फिर हमें हमारे पास आया ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल जस्ट इसके पास आना था तो वहां पे स्टार लिख दिया मैंने। फिर हमारे पास आया एट द रेट का इक्वल, तो सर एट द रेट मिडिल में आ गया, दोनों के लिए कॉमन है। फिर आया डॉलर, डॉलर का मतलब लेस देन, ये लो आपका डॉलर आ गया। फिर आपके पास आया इक्वल वाला, फिर आपके पास आया इक्वल, इक्वल का मतलब हुआ लेस देन इक्वल, ये लो सर इक्वल का मतलब हुआ लेस देन इक्वल, तो इक्वल लिख दूं यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। जरा चेक करो सर, मेरे को क्यू से एम तक जाना है, क्यू से एम तक जाना है, तो क्यू से एम तक जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्या मैं क्यू से एम तक जा सकता हूँ? कमेंट करो यस सर, क्यू से एम तक जाने के लिए आपको क्यू से पी तक जाना पड़ेगा। अब देखो क्यू से पी की तरफ गया हूं, मैं क्यू से पी की तरफ गया हूं पीछे की तरफ से। अगर पीछे की तरफ से गया हूं तो एट द रेट, मैंने क्या कहा, एट द रेट का मतलब है बराबर, और इसका इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो रिजल्ट अभी तक हमारा एट द रेट ही है। अब आप कहोगे सर एट द रेट यहाँ तो हैज है, कंक्लूजन तो हमारा हैज आ गया और यहाँ पे एट द रेट है, एट द रेट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एट द रेट हो चाहे मतलब इक्वल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें साफ सी बात याद रखो, ठीक है। तो P पे पहुंचने के बाद P ने क्या किया, P ने हमें L पे पहुंचा दिया, हम जा रहे हैं सीधे रास्ते से। अब देखो P से L हम सीधे रास्ते से गए, जो हमें मिला ऐसा कैसा लिख दो, जो हमें मिला ऐसा कैसा लिख दो, लिख दिया। अब L ने क्या किया, L ने हमें M तक पहुंचा दिया, ये लो L ने हमें M तक पहुंचा दिया, रास्ते में मिला हमें एट द रेट,
क्योंकि हम सीधे रास्ते से गए तो बदलना नहीं पड़ेगा। जरा ध्यान से देखो, एट द रेट हैज, एट द रेट मैंने क्या कहा था, याद करो कि सर हमें मिला हैज और एट द रेट, बड़ा कौन इसमें, बड़ा कौन, एक दो तीन, इनमें बड़ा कौन, सर एक नंबर वाला, तो बड़ा है हैज, और हैज ही हमारे पास कंक्लूजन में है, तो बिल्कुल सही आंसर। क्या ये सबको समझ में आ गया, इसका मतलब सर ये बिल्कुल सही है, यस और नो? हेलो सोनू जी, हेलो हेलो सोनू जी, हेलो, यस। सेकंड वाला देखो, एम से पी, एम से पी जाना हमें, एम से पी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम से पी जाना हमें, तो पहले मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ इसको, एक बार क्लीन कर देता हूँ, एम से पी जाना हमें, चलिए, एम से पी जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं गया एम से एल तक, एम से एल गया मैं पीछे की तरफ से, अगर मैं पीछे की तरफ से जा रहा हूं तो बच्चे डॉलर किस में चेंज होगा, आप खुद, एट द रेट किस में चेंज होगा, किसी में चेंज नहीं होगा, ऐसा कैसा मैंने रिजल्ट लिख लिया, ठीक है, किसी में चेंज नहीं होगा। उसके बाद में मेरे पास एल पे पहुंचने के बाद एल ने मुझे पी के पास पहुंचा दिया, और पीछे के रास्ते से गया हूं मैं, देखो पीछे की तरफ से, तो हैज किस में चेंज हो जाएगा, क्या मैं कह दूं हैज मेरा डॉलर में चेंज हो जाएगा, ये लो सर डॉलर। क्या हमारे पास कंक्लूजन में देखो सेकंड वाले में डॉलर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो दूसरा भी फॉलो। क्या आंसर आएगा इसका, बोथ वन एंड टू फॉलो। क्या मेरी बात समझ गए कि सर दोनों के दोनों फॉलो करेंगे, यानी ई आंसर। आ गया समझ में, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया, यस और नो, यस और नो, कमेंट कर दीजिए फटाफट, कमेंट कर दीजिए फटाफट, यस और नो, क्या सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, यस और नो, कमेंट कीजिए फटाफट, चलिए, यस। तो ये आपकी पूरी की पूरी एक ही क्लास में 30 मिनट में आपकी कोडेड इनइक्वालिटी, जो मेंस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, SBPO, IBPS, PORR, BPO, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में आती है। तो ये अपनी ट्रिक थी, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अब आ जाते हैं अपने, जो बैच स्टार्ट हुआ आज से, आज से बच्चे बैच स्टार्ट हुआ है अपना SBI और IBPS क्लर्क के लिए। तो जो भी बच्चे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, SBI IBPS RRB क्लर्क 2021 के लिए स्टार्ट हुआ है, तो प्लस अनअकैडमी पे अपना ये बैच स्टार्ट हुआ है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज इसकी पहली क्लास हुई थी, 10:30 AM मॉर्निंग में इसकी क्लास होती है। जो बच्चा पहले से प्लस पे है वो तो इसको एनरोल कर लीजिए, और जो प्लस पे नहीं है वो RJ10 कैपिटल लेटर में रेफरल कोड यूज करके इसको यूज में ले सकता है, रेफरल कोड यूज करके, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और वहां से इस प्लस ज्वाइन करके बैच ज्वाइन कर सकता है। चलिए आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करेंगे, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, आप सभी आए, एंड आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे नाम सर्च कर दीजिएगा, मेरी रेगुलर फ्री क्लासेज होती हैं, राजकुमार सैनी, बच्चे राजकुमार सैनी है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ओके, अनअकैडमी पे रेगुलर फ्री क्लासेज होती हैं, वहाँ पे आप फ्री क्लासेज भी अटेंड कर सकते हैं। टाइमिंग है दोपहर को 1 बजे होती है 1 PM और रात को 10 बजे, रात को 10 बजे होती है मेंस की क्लास, और ये होती है दोपहर को 1 PM SBA क्लर्क प्री के लिए। ये फ्री क्लास है बच्चे, ये फ्री क्लास है, ये दोनों मॉक टेस्ट होते हैं इसमें, यहाँ से आप अटेंड कर सकते हैं, ओके। चलिए बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। अभी 10 बजे जिनको सेशन ज्वाइन करना है वो 10 बजे आ जाइएगा अनअकैडमी ऐप पे, वहाँ पे आपको 10:30 हम 10 बजे हम मिलेंगे, ओके, बाय, थैंक यू सो मच।